स्वागत है आपका आशीर्वाद एक्सप्रेस। देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन की शुरुआत करें इस वक्त मिल रही बड़ी खबर का, और बड़ी खबर मिल रही है जगदलपुर से, जहां पर पटाखा दुकान में भीषण आग लग गई है। गोल बाजार की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया है, आग की चपेट में आसपास की कई दुकानें आ गई हैं। लगातार बढ़ रही है पटाखे की दुकान की आग। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, काफी दिल दहला देने वाली तस्वीर है, जहां पर पटाखा की दुकान में आग लग गई है। जगदलपुर की ये तस्वीर है, जहां पर गोल बाजार की एक पटाखा दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में आग लगने से सारे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। पटाखे की दुकान की आग लगातार बढ़ती ही जा रही है और आग ने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले तस्वीर है सुराज एक्सप्रेस के माध्यम से हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर गोल बाजार में पटाखा के दुकान में आग लग गई है। जरा देखिए कितनी भीषण आग लगी है, हर तरफ आग के गुबार और धुआं दिख रहा है। जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गोल बाजार में एक पटाखा दुकान में भीषण आग लग गई है। दुकान में आग लगने से सारे शहर में हड़कंप मच गया है। पटाखे की दुकान की आग लगातार बढ़ती ही जा रही है और आग ने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। तस्वीर आप देखिए, काफी डराने वाली तस्वीरें हैं, जहां पर इतनी भीषण आग का खौफनाक मंजर, जहां पटाखे की दुकान में आग लग जाती है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है, लगातार आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त की सबसे पहले आपको ताजा तस्वीरें सुराज एक्सप्रेस के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, जहां पर आग लग गई पटाखे की दुकान में आग लगी है। दरअसल ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जगदलपुर से आशुतोष तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशुतोष, और कैसे हुआ हादसा और वर्तमान में सूरत हाल क्या है वहाँ के? देखिए, जिस तरीके से जो जगदलपुर के हृदय स्थल गोल बाजार है, वहाँ पर एक पटाखे की दुकान थी, जो काफी बड़ी दुकान थी। वहाँ पर अचानक से आग लगने से काफी हड़कंप मच गया है, लोगों में काफी हड़कंप मचा हुआ है। आजू बाजू की जो दुकानें हैं वो चपेट में आ चुकी है, और जिस तरीके से यहाँ पर जिला प्रशासन के सभी अधिकारी पहुंच चुके हैं और लगातार आग के ऊपर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक लगभग एक घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आग के ऊपर काबू नहीं पाया गया है, और लगातार जो फायर ब्रिगेड है उसके द्वारा आग के ऊपर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पटाखे की दुकान होने के कारण आग के ऊपर काबू पाना काफी मुश्किल हो रहा है, और अंदर जितने भी पटाखे हैं वो लगातार उड़ते हुए और आग के गोले में यहाँ पर परिवर्तन होता यहाँ पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर आग लगी है और गोल बाजार जो शहर के हृदय स्थल में है, तो काफी शहर में भी हड़कंप मची हुई है। जी आशुतोष, कैसे लगी आग, क्या कारण रहा, क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, अन्य कई कारण बताए जा रहे हैं? देखिए, अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाई है। लगातार जिस तरीके से आग यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, तो कोई भी बात करने या फिर सब आग के काबू करने के ऊपर लगे हुए हैं, कोई बात करने की स्थिति में नहीं है। ये तो जब मामले की जांच की जाएगी या फिर जो आग को बुझा लिया जाएगा, उसके बाद ये स्पष्ट किया जा सकता है कि आग कैसे लगी होगी। और ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या अंदर कोई व्यक्ति फंसा हुआ है या नहीं फंसा हुआ है। आग बुझने के बाद ही यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा कि क्या निश्चित रूप से आग लगने के आग बुझाने के बाद ही जो नुकसान हुआ है उसका आकलन यहाँ पर आशुतोष किया जाएगा। लेकिन आपसे हम जानना ये चाहेंगे कि घटनास्थल पर अभी प्रशासन के कौन कौन से अधिकारी मौजूद हैं और आग को बुझाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। आशुतोष जी, बिल्कुल, यहाँ पर जो अधिकारी मौजूद है, कलेक्टर और आईजी समेत कई तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, जो कि आग के काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने दिशा निर्देश में यहाँ पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। और सभी जो अधिकारी हैं प्रशासन के और जितने जो फायर ब्रिगेड संचालक हैं, वो सभी लगातार यहाँ पर आके और आग के ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि ड्रोन भी उड़ाया जा रहा है कि ऊपर कोई फंसा हुआ है या हाँ। नहीं फंसा हुआ है, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है कि क्या ऊपर में कोई है भी या नहीं। अगर वो होगा भी, तभी भी वो जो आग बुझेगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगी कि कोई फंसा हुआ है, उसको निकाला जाएगा। जी, कोई हताहत की खबर आशुतोष?
अभी तक तो कोई भी हताहत की खबर स्पष्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि आग इतनी भीषण है कि अंदर जाना काफी मुश्किल है, और अंदर कोई भी यहाँ पर जो कर्मचारी है, जो फायर ब्रिगेड जो है, वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं, बुझाने की स्थिति में नहीं है। लगातार आग भी भड़कती जा रही है, और जिस तरीके से ऊपर की आग पर काबू पाया गया है अभी तक, और नीचे में जो आग लगी है वो भड़कता जा रहा है। आग लगातार फायर ब्रिगेड, करीब 5 से 6 फायर ब्रिगेड यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर एम्बुलेंस खड़े हुए हैं, और लगातार जो जिला प्रशासन की जितनी गाड़ियां हैं वो यहाँ पर बुला ली गई है। और आपके आसपास से जिस तरह की आवाजें आ रही हैं, एम्बुलेंस की और फायर ब्रिगेड की आवाजें आ रही हैं, उससे इस बात का अंदाजा साफ तौर से लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण ये आगजनी की घटना हुई है। आशुतोष, इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखिए, आपका रुख हम आगे भी करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और अब खबर रायपुर से।